पत्नी को दी दर्दनाक मौत, सच बेहद शर्मनाक, यह वारदात देहरादून की दर्शाई जा रही है। कफूर बस्ती में सड़क पर खड़ी गर्भवती महिला की मंगलवार को सरेआम उसके ममेरे भाई ने चाकू घोंप कर हत्या कर दी। पुलिस ने भाग रहे आरोपी को रेलवे लाइन पे पकड़ लिया है। इधर भीड़ ने आरोपियों को फैजान के घर घुसकर उसके पिता को पीट डाला। हत्या का कारण 15 दिन पहले 600 रुपए के लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। देर रात मृतक की मां नूरजहां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी फैजान और उसके पिता शहीद को खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 माह की गर्भवती थी महिला कफूर बस्ती के निवासी अब्दुल वहीद की बेटी बरखा 25 साल की बताई जा रही है, जहां 3 साल पहले उसकी शादी हो चुकी थी। वह 20 जनवरी को अपने मायके लौटी थी। मंगलवार शाम 5:30 बजे वह दुकान के सामने खड़ी हुई थी। उसी बीच ममेरा भाई वहां पहुंचकर उसने उस पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने अस्पताल पहुँचा कर भर्ती कराया तो वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को